हमारा जो कि क्लीनेस्ट ड्राइव थ्रू आउट लोलाब चल रहा है, तो हमने जो भी जहां भी मार्केट है या कहीं पे गार्बेज है वहां पे हम उसको वॉलंटरली साफ करते हैं। तो इसी बीच कल यहां पे जर्नलिस्ट शफात अहमद भट्ट साहब की तरफ से एक फेसबुक पोस्ट आया जो न्यूज़ थी। यहां पे काड़वन देवर में गार्बेज हीप्स काफ़ी थे, सड़कों पे डायपर्स पड़े हुए थे, बाल पड़े हुए थे, मिरर्स थे। तो हमने कल ही एक ये प्रोग्राम बनाया कि हम आज काड़वन में आएंगे, तमाम वॉलंटियर्स जो आएंगे हम यहाँ पे साफ करेंगे इस जगह को। तो बारिश कल से जो बारिश थी उसके बावजूद भी हमारे वॉलंटियर्स जो थे उन्होंने मन बना लिया था हम साफ करेंगे। तो हमने इक्विपमेंट्स, बाकी चीज़ें जितनी भी थी, पॉलीथीन बैग्स वगैरह, ग्लव्स एंड ऑल जो भी थे कोविड प्रोटोकॉल लेके हम यहाँ पे आए। तो हमने यहाँ पे पूरा जितना भी हमसे हो सका आज वो हमने साफ करे। आप पीछे भी देख लीजिए, हमने यहाँ पे ट्रैक्टर से एक दो लोड करवाए यहाँ पे गंद के। तो हमारी ये गुजारिश है लोलाब यूथ ऑर्गेनाइजेशन की कि पहले जो सिविक सेंस होना चाहिए, जो सोशल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे समाज में कुछ भी हो, कुछ खराबी हो, कुछ कमी हो, वो जब तक न हम अपने आप में बदलाव लाएंगे, सुधार लाएंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। मेयर फेसबुक पे पोस्ट करने से, मेयर घर पे बैठने से बदलाव नहीं आने वाला है, ना आया है और ना आएगा। हमें चाहिए कि पार्टिसिपेट करना है, लोगों को बताना है अगर कहीं पर ऐसा कुछ हो रहा है, तो लोगों को अवेयर करना है कि इसके नतीजे कितने बुरे हैं, बीमारियां फैल सकती है। और आपको भी पता है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑन अर्थ जो है लोलाब, वो हमारा एरिया है। तो हमें चाहिए, हमारी एक जिम्मेदारी बनती है यहाँ के बाशिंदगान होने के नाते कि यहाँ को हम पूरा लोलाब को हम साफ रखेंगे। तो मेरी ये गुजारिश है पूरे आवाम से कि आप भी अपने एरियाज़ में ये क्लीन माहौल रखिए, अपना जितना भी कूड़ा करकट है वो अच्छी जगह पे, डंपिंग साइट जहाँ जहाँ पे है वो डंपिंग साइट्स पे तो आप रखिए, ताकि हम लोलाब को एक अच्छी जगह रहने के लिए बनाएंगे। थैंक यू।